Hey guys, welcome back to our channel and welcome back to another hotel review series. I know मैं usually तब hotel review डालती हूँ जब हम किसी जगह पे जाके रुकते हैं. जैसे for example इस बार हम लोग पहुँचे थे लेह, like दिल्ली से जब हम लोग लेह पहुँचे थे तो आइडली मुझे तब डालना चाहिए था, लेकिन मैं फिर ले एक्सप्लोरेशन का और उसके बाद नुब्रा वैली की वीडियोस मैंने शुरू कर दी, मैंने ले का रिव्यू होटल रिव्यू नहीं डाला. द रीज़न वॉज जिस दिन मुझे शूट करना था मुझे 100 डिग्रीज फीवर हो चुका था एंड 3 दिन तक आई वॉज वेरी वीक. आई वॉज नॉट एबल टू, लाइक मुझ में हिम्मत नहीं थी कि मैं उसको शूट कर पाऊँ. बट फाइनली आई थॉट लेट्स जस्ट गो अहेड, शूट करते हैं. और नुब्रा के बाद मैं आपको सबसे पहले ले का ये वाला होटल दिखाने वाली हूँ, द फर्स्ट होटल वी स्टेड इन, जो कि बहुत अच्छा होटल था. तो सबसे पहले आप जाओ होटल देखो. और इस बार होटल मैंने शूट नहीं किया, लेकिन इस बार होटल शूट किया है पापा ने और उनके ओनर ने हमें पूरा होटल दिखाया. तो आप भी जाइए और हमारे साथ प्लस ओनर के साथ ये होटल देखिए और उसके बाद हम लोग इस होटल को करते हैं रिव्यू. चलिए अब आप ही अपने होटल के बारे में जो कुछ है आप पहले अपना नाम बताइए सर. माय नेम इज पवन शर्मा फ्रॉम आगरा. पवन जी आगरा से हैं और यहाँ पूरे प्रॉपर्टी को यही मैनेज करते हैं. पूरा स्टाफ है आगरा से. जी पूरा स्टाफ ही आगरा से है. अरे वाह. किचन अपना सर्विस. ओके ठीक है. तो टोटल कितने रूम्स हैं? और टोटल 21 रूम है सर. 21 रूम्स हैं. और क्या कैटेगरीज हैं? आपने जैसे एक तो डिलक्स दिखाया मुझे, एक आपने स्वीट है और जो हमें दिया वो किस का कौन सी कैटेगरी है? वो भी स्वीट रूम है, लेकिन वो सब ये ट्रिपल शेयरिंग फैमिली रूम. अच्छा, ट्रिपल शेयरिंग फैमिली रूम्स है. फैमिली रूम है, पर्सनल अपना गेस्ट होते तो हम उनको देती थी. और ये हमारे फर्स्ट फ्लोर पे, ये टॉप फ्लोर पे आपका 7-8 रूम है. अच्छा, टोटल बालकनी. ओके, सभी बालकनी के साथ. 6 पे अपना 2, सेकंड फ्लोर पे आपका 6 रूम है. ओके, वही बालकनी. और ग्राउंड फ्लोर के जो सीनियर सिटीजन होता है उनको चढ़ने में दिक्कत होता है, सांस का प्रॉब्लम होता है, ऑक्सीजन का प्रॉब्लम होता है, तो उनको हम नीचे दे देते हैं. और आप ये भी बड़ा अच्छा करते हैं, जो लोग नुब्रा जा रहे हैं उनका सामान रख लेते, नहीं तो कहाँ कैरी करते फिर. ऑब्वियसली जो फ्लाइट से आया है या किसी और मीडियम से आया है वो तो कहाँ का सामान कैरी करेगा. वो है ना सर, सामान क्या है ना, अभी यहाँ पे जो जैसे हाइट है, हम अपनी 11,000 हाइट पे हैं. Exactly. तो उसमें क्या है ना, जो ट्रेवल्स करते हैं ना तो उसमें गाड़ी के लिए अच्छा रहता है. कम right. जितना कम, कितना कम वेट होगा उतना बढ़िया. यहाँ वन साइड रोड है सर. राइट. तो इसलिए ट्रेवल्स 2 दिन बाद तो वापस होटल पे आना है. एग्जैक्टली. वापस जो है एक्स्ट्रा लगेज ना वो यहीं रहता है. यहीं रख जाइए. बढ़िया, सही है. गुड, थैंक यू सर. तो यहाँ पे है पार्किंग एरिया. जब भी अगर आप इस होटल में रुकते हैं तो यहाँ पे आप अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं. यहाँ से एंट्री है टूवर्ड्स रिसेप्शन और यहाँ से दूसरी एंट्री जो है जो अभी बंद है, बट वहाँ से आप रेस्टोरेंट की तरफ जा सकते हैं. तो यहाँ पे आपको बाहर सिटिंग एरिया मिल जाती है. अंदर है डेस्क जहाँ पे आप अपनी फॉर्मेलिटीज़ कम्प्लीट कर सकते हैं, यहाँ बैठ सकते हैं. ये है सिटिंग एरिया, वो सामने रेस्टोरेंट है जो आपको अंदर से दिखाई दिया है और ये इनका किचन है. वैसे तो स्पेशियस है, इधर का व्यू, यहाँ से ये व्यू आता है. लाइट्स, ये है लॉबी एरिया, सिटिंग है. यहाँ पे लोग एक्चुअली बैगेज भी रख लेते हैं. ये लोग जैसे आप नुब्रा जा रहे हैं तो आपको कम लगेज लेके जाना है साथ में, तो उस केस में आप अपना जो एक्स्ट्रा लगेज है वो यहाँ छोड़ के जा सकते हैं. तो ये फैसिलिटी भी देते हैं. रेस्टोरेंट तो हमने सुबह ब्रेकफास्ट के टाइम पर कर लिया था. ओके, सेकंड फ्लोर है इसका, बालकनी रूम है. ओके, 2,000-3,500. ओके, लास्ट. अच्छा, बालकनी किस रूम पे? इसमें प्रीमियम कनेक्शन मिल रहा है. ओके, यहाँ पर टॉप फ्लोर है. अच्छा, टॉप फ्लोर है. तो यहाँ पर टेरेस भी है. अगर टेरेस पे कुछ, हाँ, अगर आप पार्टी वार्टी करना चाहें, बॉनफायर करना चाहें तो अरेंजमेंट आप बोल के करवा सकते हो. ओके, तो ये है सुपर डिलक्स रूम. अमेजिंग. तो ये है इनका स्पेशियस वॉशरूम. वॉशरूम तो नीचे भी बहुत स्पेशियस था, शावर एरिया. ओके, ये है सुपर डिलक्स कैटेगरी. यहाँ पे बालकनी भी एडिड है, आप चाहे तो बालकनी में जाके भी रिलैक्स कर सकते हैं. दिस इज द एक्सेस टू द बालकनी. राइट, थैंक यू. इसका प्राइस क्या है सर, सीजनल ऑफ सीजन? इसका 4,500. ओके, एंड ऑफ सीजन एंड 3,500. ओके, और स्पेशली इनके यहाँ सारे रूम्स में स्मार्ट टीवीज हैं,
तो अगर आप कोई ऐप देखना चाहें तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अवेलेबल है यहाँ पर। वाईफाई का भी अरेंजमेंट अच्छे से ये हमारे दो स्वीट रूम हैं। ओके, ये स्वीट रूम्स हैं। तो ये वॉशरूम है, वेरी नाइस। ये बहुत अच्छा लगा है, ये टॉवल्स को हमेशा ऐसे ब्यूटीफुल सा शेप दे के रखते हैं यहाँ पर, लुक्स गुड। वाओ, सच अ ह्यूज बालकनी। ओके, दोनों रूम्स की ये कॉमन बालकनी है और विद व्यू। अगर आप बड़ी फैमिली के साथ आए हैं तो आप दोनों रूम्स ले सकते हैं और एक्सेस दोनों रूम्स का आपको यहाँ से मिल जाएगा। और व्यू कितना सही है देखिए यहाँ से। हंची से हाय, नाइस। नाइस, वेरी नाइस। तो इसका क्या टैरिफ और प्राइस है भैया? 1.5 तो मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूंगी कि ये जो होटल है बेसिकली यूज होता है जहाँ पे मेजरली जो ग्रुप्स होते हैं वो सब आते हैं यहाँ पे रुकने के लिए, क्योंकि उनका प्लान होता है कि अगर वो फ्लाइट से आ रहे हैं, कैसे भी आ रहे हैं, तो एक एज अ ग्रुप आए और उसके बाद फिर कोई बाइक रेंट करके या कुछ भी ऐसे रेंट करके दे जस्ट विजिट दी प्लेसेस, चाहे वो लेह में विजिट करना हो, नूबरा वैली, पैंगोंग, कुछ भी विजिट करना हो, तो उसके लिए दे गो टुगेदर। सो ये बेसिकली पैकेजेस या ग्रुप्स में ही होते हैं। हमने ये जो लिया था होटल, लाइक इसमें रूम लिया था, दैट वाज 4500 रुपीज, विच इंक्लूडेड ब्रेकफास्ट एंड वन मेजर मील, विच वाज ही डिनर, क्योंकि लंच तो ऑब्वियसली आपका बाहर हो ही जाता है, डिनर आपका होटल में आके होता है। इनके डिनर में यूजुअली दाल, एक सब्जी वेज और एक नॉन वेज सब्जी, प्लस राइस, रोटी एंड मीठा। दिस वॉज दी बेसिक डिनर दैट दे हैड, एंड एक सूप हो जाता था डेली। हम दो दिन रुके थे, विच वॉज एक्चुअली अ गुड प्लेस टू स्टे, एंड मनी वाइज भी बहुत सही था। हमने ऑन दी स्पॉट ही करा था, आपने देखा हम लोग होटल जो हमने जो बुक किया था दैट वॉज दी होम स्टे, एंड मॉम वॉज नॉट कम्फर्टेबल इन स्टेइंग इन होम स्टे, क्योंकि आज तक हम कभी होम स्टे में रुके नहीं है। सो हम लोगों ने बस लेह में एक्सप्लोर किया था कि हम कहाँ रुक सकते हैं, देन वी थॉट ऑफ स्टेइंग, वी सॉ दिस होटल द हिमालयन हेरिटेज, एंड देन वी प्लान्ड ऑन स्टेइंग इन दिस होटल। तो अगर मैं इस होटल के एम्बियंस की बात करूँ, एम्बियंस बहुत अच्छा था, बाहर से भी इसका बिल्कुल वुडन वाला डिज़ाइन था, एंड इट वॉज रियली गुड। सो आई विल रेट इट 4/5। सेकेंड, अगर मैं बात करूँ फूड की, तो खाना अच्छा, सिंपल और लिमिटेड था, अच्छा था, ज़्यादा ऑप्शंस नहीं थी, बट इट वॉज वेरी गुड क्वालिटी वाइज, इट वॉज वे टू गुड। सो आई विल रेट दिस फूड आई गेस 3.5/5। नेक्स्ट, अगर मैं बात करूँ हॉस्पिटैलिटी की, तो हॉस्पिटैलिटी भी बहुत अच्छी थी। जितनी बार भी हमने बुलाया, जैसे भी बुलाया, जिस टाइम पर भी बुलाया, दे वर ऑलवेज अवेलेबल टू हेल्प अस आउट। सो आई विल रेट देयर हॉस्पिटैलिटी 5/5 फ्रॉम माई साइड। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं स्टे की, तो स्टे तो बहुत ही कम्फर्टेबल था, लाइक बेड के साथ एक छोटा सा बेड भी आ जाता है जहाँ पर आपको एक्स्ट्रा मैट्रेस नहीं लगवाना पड़ता है फॉर दी थर्ड पर्सन। तो रूम एंड स्टे वॉज वेरी कम्फर्टेबल, रूम भी अच्छा खासा बड़ा था, व्यू भी बहुत सुंदर था रूम से, बालकनी वॉज वेरी गुड, बालकनी थी नहीं, बालकनी तो थी नहीं, हमारे रूम से व्यू भी नहीं था, सॉरी सॉरी सॉरी, बट स्टे हमारा बहुत अच्छा था, वॉशरूम वॉज वेरी गुड और रूम बड़ा भी अच्छा खासा था, लगेज स्टोरेज भी बहुत अच्छी थी। तो स्टे को मैं रेट करूँगी 4.5/5। नेक्स्ट मैं बात कर लेती हूँ हमारे एक्सपीरियंस की, तो एक्सपीरियंस भी हमारा बहुत अच्छा था इस होटल में, एंड आई वुड से कि ले वाले ट्रिप में हम दो होटल्स में रुके, एंड दिस वाज़ दी ओनली होटल जिसमें हमारा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। दूसरा होटल भी मैं आप लोगों के साथ बहुत जल्दी शेयर करूँगी, बट वो तो पैंगोंग से आने के बाद शेयर होगा ना, तो बट विल डेफिनेटली शेयर दैट होटल विद यू, बट दिस होटल वॉज रियली गुड।
अगर आप कभी भी ले विजिट करते हैं एंड यू हैवंट बुक्ड एनी होटल, या अगर आप बुक करना चाहते हैं तो डेफिनेटली यू कैन सी द हिमालयन हेरिटेज. एंड आई वुड से कि आप वहाँ जाके बात करो तो बेटर रहेगा. और सारे रेट्स नॉमिनल हैं, इन्होंने आपको सारे रूम्स के रेट्स भी बताए हैं, विच इज़ एक्चुअली गुड एंड अफोर्डेबल. तो 3-4 हज़ार में अगर आप एक कमरे में रुक रहे हो फॉर वन डे, इट्स वेरी गुड, इंक्लूडिंग वन मेजर मील एंड ब्रेकफस्ट, इट्स अ गुड डील. तो आई वुड सजेस्ट यू एंड रिकमेंड दिस होटल टू ईच वन ऑफ यू. एंड बेस्ट रहता है कि आप पैकेज में जाओ तो शायद आपको थोड़ा सा डिस्काउंट वगैरह भी मिल जाए. डेफिनेटली आप चेक कर सकते हो. एंड अगर मैं अपने ओवरऑल एक्सपीरियंस की बात करूँ तो हमारा यहाँ पे ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा. लाइक 2 दिन हम इस होटल में रुके और दोनों दिन हमने ले भी एक्सप्लोर किया, तो हमें कोई टेंशन नहीं थी एंड इट वॉज़ वेरी रिलैक्सिंग फॉर अस. सो आई विल रेट आर ओवरऑल एक्सपीरियंस एज 4/5. एंड लास्ट में हमने लिटरली नूबरा जाने से पहले इनको बोला भी था कि प्लीज़ हमारी गाड़ी धो देना, क्योंकि इतनी गंदी हो रही थी हमारी गाड़ी. एंड दे वर सो स्वीट कि इन्होंने हमारे लिए स्पेशली हमारी गाड़ी अच्छे से धोई, अच्छे से क्लीन करी. और फ़ायदा कुछ नहीं हुआ क्योंकि नूबरा जाते जाते वो फिर से गंदी हो गई थी. बट नंदीलेस मुझे ये होटल आप लोगों के साथ शेयर करना था कि कितना अच्छा होटल है ये. एंड आई रिकमेंड यू गाइज टू स्टे इन दिस होटल इफ़ यू एवर विजिट ले. और अगर आप कभी रुकते भी हो तो प्लीज़ अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ कॉमेंट्स में शेयर कीजिएगा ज़रूर, कि आप लोगों का कैसा एक्सपीरियंस रहा इस होटल में यहाँ के लोगों के साथ. सो या एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो. अगर आई है तो प्लीज़ लाइक, कॉमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दो. एवरी डे आई एम सो मच मोटिवेटेड टू शेयर ईच एंड एवरी वीडियो विद यू गाइज, बिकॉज द एक्सपीरियंस विद अस वॉज लाइक, कुछ जगहों की या कुछ चीज़ों का एक्सपीरियंस हमारा बहुत अच्छा था, कुछ जगहों पर वी जस्ट वर लाइक बट ठीक है, वी हैड अ ग्रेट फन. एंड आई होप आपको भी पसंद आ रही होगी ले की सीरीज. एंड आई रियली होप कि आपको पसंद आ रही हो, क्योंकि बहुत मेहनत लगी है, बहुत पैसा भी लगा है. बट येस, एंड डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो हमारी आने वाली है पैंगोंग की. हम लोग जा रहे हैं नूबरा से पैंगोंग, द डिफिकल्ट रोड्स एंड द मोस्ट डिफिकल्ट जर्नी के. तो उस वीडियो को देखना भूलेगा नहीं. और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा एंड सब्सक्राइब करके हमारी प्लीज़ कम्युनिटी को बढ़ाओ. तो आपसे मिलते हैं हम अगले वीडियो में. टिल देन बाय गाइस, टेक केयर, स्टे सेफ. और हाँ, डू शेयर मी कि अगली जगह हमें कौन सी आप लोगों के लिए एक्सप्लोर करनी चाहिए. एक जगह सोच रखी है बट यू गाइज कैन प्लीज़ शेयर विद अस. सो बाय गाइज, टेक केयर एंड स्टे सेफ.